हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो भूल चूक हो तो माफ़ कर देना। तो ये सुबह का वक्त है, मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे रात को मैं छोले भिगा के रखी थी, तो उसी छोले को मैं कुकर में डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा पानी और नमक डाल के मैं बॉयल कर लूँगी, साथ में मैं रोटी बनाऊँगी। तो यही मेरा ब्रेकफास्ट बनाने का प्लान है उस दिन का। तो यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अभी इसमें नमक डाल के मैं कुकर लगा के इसको व्हिसल के लिए रख दूँगी। 4-5 व्हिसल आने तक इसको मैं अच्छे से पकाऊँगी, क्योंकि तब जाके छोले अच्छे से नरम भी हो जाते हैं और खाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने छोले बिठा दिया। अभी मैं साइड में इसका मसाला बनाने के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसके लिए मैंने प्याज लिया है, लहसुन लिया है, अदरक लिया है, हरी मिर्च लिया है और एक आलू लिया है। आलू को अच्छे से छील के धो के मैं इसको पीसेस में कट कर रही हूँ। और साथ में जो प्याज है, इन प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और टोमेटो, इन सबको मैं काट करके एक पेस्ट बना लूँगी। प्याज का मैं आधा भाग पेस्ट में डालूँगी और आधा मैं बारीक बारीक काट के ऐसे ही डालूँगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं ये मसाला बनाने की पूरी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं प्याज को थोड़ा मोटा मोटा करके कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई बिठा दिया मैंने और तेल गरम होने के लिए रख दिया। जब तेल गरम हो जाए तो इसमें मैंने वही कटे हुए आलू डाल दिया है, थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के आलू को थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी यहाँ पे। जब आलू अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें मैं बड़े बड़े कटे हुए जो प्याज है उसको डाल रही हूँ। ये मैंने बड़े इसलिए काट के डाले हैं कि ये मुँह में आते हैं तो अच्छा लगता है खाने में, तो इसलिए मैंने थोड़ा प्याज काट के डाला है और बाकी मैंने ग्राइंड कर लिया है। अभी जो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट है उसको भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसमें अभी मैं जो रेगुलर के मसाले आते हैं वो सब डाल दूंगी, जैसे हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब रेगुलर के मसाले मैं इसमें डालूंगी और नमक डाल के इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी मसाले को। तो ये बहुत जल्दी से बन भी जाता है, खाने में भी टेस्टी लगता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी यूज़ किया है, अच्छा कलर आने के लिए। तीखा भी नहीं होगा और खाने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अच्छे से मसाला पक चुका है। अभी मैं जो बॉयल किया हुआ चना है उसको डाल रही हूँ। साथ में मैंने जो बॉयल किया था उसमें जो पानी था वो भी मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि वो नमक के साथ मैंने बॉयल किया था, तो इसलिए वही पानी मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अभी ये अपने आप हो जाएगा, इसको 4-5 मिनट तक मैं बॉयल करने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पे मैं इसको पास वाले चूल्हे पे ट्रांसफर कर रही हूँ, क्योंकि इधर मुझे अभी रोटी बनाना है। तो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट जितना बनेगा उतना जल्दी हम खा सकेंगे, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका एक अच्छा सा डो बना लूँगी आटे का। तो यहाँ पे मैंने अच्छा सा एक डो बना लिया है और अभी इससे मैं छोटा छोटा
लोइया तोड़ लूंगी। जितना भी मुझे रोटी बनाना है उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करके सारी रोटियां एक एक करके बेल लेती हूँ। अभी मैं दूसरा वाला गैस ऑन करके तवा बिठा दिया मैंने और एक एक करके सारे रोटियां मैं सेक लूंगी। तो उधर मेरी सब्जी भी रेडी हो चुकी है और यहाँ पे रोटी भी तैयार हो रही है। अभी मैं चाय भी बना लूंगी साथ में। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। आपके कमेंट, आपके एनकरेजमेंट के ऊपर ही मेरा काम डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे मेरे रोटी तैयार है, सब्जी भी तैयार है, यहाँ पे मैं चाय बिठा दे रही हूँ। मेरा चाय भी एक तरफ बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चाय बना लिया है मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। रोटी सब्जी भी तैयार है। तो ये देखिए हम लोगों का ब्रेकफास्ट। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा और मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।